मैं आपके लिए क्रूस पर नहीं मरा, मैंने आपके लिए सर पर कांटों का ताज नहीं रखवाया, मैंने आपके लिए कीले नहीं ठकवाई, मैंने आपके लिए खून नहीं बहाया, लेकिन एक है जिसने बहाया, उसका नाम यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। और वो आधा नहीं, वो आधा नहीं बल्कि पूरा छुटकारा देता है। बहुत से लोग, बाइबल क्यों कहती है कि मसीह यीशु के समय में बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, पत्रस ने प्रचार किया, बहुत से लोगों ने ग्रहण नहीं किया, पौलुस ने प्रचार किया, बहुत से लोगों ने ग्रहण नहीं किया, मैं भी प्रचार करता हूँ, बहुत से लोग ग्रहण नहीं करते। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जब हम ग्रहण नहीं करते तो हम स्वर्ग के रास्ते का इनकार कर रहे हैं। हम बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग के नीचे लोगों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, हम छुटकारा प्राप्त करें। एक ही नाम और वो यीशु नाम है। यीशु नाम के बिना हमें शांति नहीं है। पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन यूं कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई किसी भी बिरादरी का क्यों ना हो, जो कोई मतलब चाहे छोटा बड़ा क्यों ना हो, जो कोई का मतलब किसी भी रंग का क्यों ना हो, चाहे गरीब हो चाहे फिर अमीर हो, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना 3:16 की 16वीं आयत में लिखा, तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, जगत में हम हैं, हम थे और हम हैं, इसीलिए परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्यार किया। आमेन। अगर जगत में हम ना होते तो जगत अधूरा है, अगर घर में घर बनाने वाले ना रहे तो घर अधूरा है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे चुने हुए लोग घर बनाएंगे और वो खुद घर में रहेंगे, उनके घर पर कोई कब्जा ना करेगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर को जाने पहचाने, परमेश्वर के बीच में जीवन जिए, तो याद रखिएगा उसने पहले आपसे प्यार किया है, तब आप उसे प्यार करते हैं। प्रेम इसमें नहीं कि आपने प्रेम किया, प्रेम इसमें है कि पहले परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, और जब परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया फिर आप परमेश्वर से प्यार करने लगे। प्रेज लॉर्ड। सोचिए, ध्यान से सुनिएगा, पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन रोमियो 5:8 उसकी 8वीं आयत में लिखा है, जब हम पापी ही थे, हम पापी थे, रोमियो 6:23 उसकी 23 आयत में लिखा, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, अलग हो गए, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सबने पाप किया है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है रोमियो 5:8 की 8वीं आयत में, कि जब हम पापी ही थे तब मसीह यीशु ठीक समय पर हमारे लिए मर गया। आखिरकार प्रभु यीशु मसीह क्यों मरा? क्या हम भले लोग थे? प्रभु यीशु ने क्यों इस दुनिया के लिए जान दी? क्या हम बहुत नेक लोग थे, नेक दिल इंसान लोग थे? इस पृथ्वी के ऊपर कोई अच्छा व्यक्ति हो शायद मेरे ख्याल से उसके लिए भी कोई प्राण नहीं दे सकता, और अगर कोई बहुत भला काम करने वाला हो सकता है उसके लिए कोई प्राण दे दे, या फिर किसी ने बड़े बड़े काम किए हो, किसी का घर बसा दिया हो, या फिर किसी ने किसी के बच्चे की एडमिशन फीस दे दी हो, या फिर किसी के घर में राशन नहीं लाकर राशन दे दिया हो, या फिर जब आप बहुत फंसे हुए हो तो किसी ने आपको उस परिस्थिति में से कोई आपको बाहर निकाल कर ले आया हो,
तब आप उसके लिए कुछ करने की सोच सकते हैं। जब आपने किसी को भलाई करते हुए देखा हो तब आप कहेंगे हाँ इसने मेरे लिए भला काम किया, मैं भी इसके लिए भला काम करूंगा। या आपने देखा हो कि आपके माता पिता ने आपको पाल पोस कर बहुत बड़ा किया है, इसलिए आप भी उनकी परवरिश करने के लिए खड़े हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जिस यीशु के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिस यीशु के बारे में आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो यीशु आपके और मेरे भले कामों के लिए नहीं परंतु पाप के कारण क्रूस पर गए हैं। ओ कितनी बड़ी बात है, महान अद्भुत बात है, प्रेज़ द लॉर्ड। लगभग लोग तब किसी के लिए बड़ा काम करते हैं जब उन्होंने किसी ने उनके लिए भला काम किया हो। लगभग लोग तब किसी की मदद करते हैं जब उन्होंने पलटकर मदद की हो। एक दोस्त दोस्त की मदद कब करता है? जब दोस्त ने कभी उसकी मदद की हो। तू मेरे काम आया, मैं तेरे काम आऊंगा। तूने मेरी सहायता की थी, इसलिए मैं भी तेरी सहायता करूंगा। आज मनुष्य जो प्यार करता है उससे प्यार करते हैं। आज मनुष्य अगर कोई मदद करेगा तो उसकी मदद करेंगे। रिश्तेदारों के घर जाएंगे, अगर वो केले या फ्रूट लेकर आए थे तो हम भी लेकर जाते हैं। कौन सा बड़ा काम करते हैं? लेकिन देखिए, मसीह यीशु ने बड़ा काम कर दिखाया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु को लोगों ने मारा, प्रभु यीशु को लोगों ने गंदा बोला, और यीशु ने कहा मैं समय आने पर तेरे लिए प्राण तक दे दूंगा। आज आप देखिए, अगर प्रभु यीशु मसीह चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जगह जगह यीशु मसीह के चर्च तोड़े जा रहे हैं, जगह जगह यीशु मसीह के नाम को मानने वालों को सताया जा रहा है, जगह जगह लोग यीशु मसीह का विरोध कर रहे हैं। अगर यीशु मसीह चाहे, वो यीशु मसीह, मैं उस यीशु मसीह की बात कर रहा हूँ जो अंधों को आंखें देता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज उस यीशु की बात कर रहा हूं जो सिर्फ बीमारी से छुटकारा नहीं बल्कि हमें पाप से आजाद कर स्वर्ग लेकर जाने का वायदा करता है। आमीन। वो क्या कहता है? प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हें स्वर्ग तक लेकर जाऊंगा। प्रभु यीशु ने यह नहीं कहा मैं मार्ग हूं, मैं स्वर्ग जाने का मार्ग हूं। नहीं, उन्होंने बोला मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन भी हूं। उन्होंने यह नहीं कहा मैं सिर्फ मार्ग हूं, उन्होंने बोला मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। जो चलना चाहता है मुझ पर चले, जो विश्वास करना चाहता है सत्य पर करे। और जब सत्य पर विश्वास करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम मार्ग पर चलते हैं, सत्य पर विश्वास करते हैं, तो जीवन हमारा है। आमीन। सोचिए, मैं जिस यीशु की बात कर रहा हूं, वो इसलिए उसने हमसे प्यार नहीं किया कि हमने बहुत बड़े बड़े काम किए थे। प्रभु यीशु ने इसलिए हमसे प्यार नहीं किया कि हम बहुत नेक परिवार से हैं। प्रभु यीशु ने इसलिए हमसे प्यार नहीं किया कि हम इस दुनिया में बहुत भले काम करते हैं। नहीं, परंतु प्रभु यीशु ने इसलिए प्यार किया क्योंकि हम पापी ही थे, हम गुनाह में फंसे हुए थे, हम छिप कर गुनाह कर रहे थे, हम वो कर रहे थे जो हमें नहीं करना चाहिए। मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया है, और मनुष्य यदि परमेश्वर की महिमा करता है तो परमेश्वर को अच्छा लगता है। प्रेज द लॉर्ड। ये पंखा जिस लिए बनाया गया है वही काम कर रहा है, ये लाइट जिस पर्पस के लिए बनाई गई है वही काम कर रही है, ये माइक जिस बात के लिए बनाया गया है वही काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये कैमरा जिस बात के लिए बनाया गया वही काम कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, आज परमेश्वर ने आपको और मुझे पाप से स्वतंत्र किया है। जिस काम के लिए स्वतंत्र किया है वही काम कीजिए। परमेश्वर ने क्यों आपको और मुझे बचाया है? क्यों परमेश्वर ने आपको और मुझे छुटकारा दिया है? क्यों परमेश्वर ने आपकी गांठ को गायब किया? क्यों परमेश्वर ने आपके
तमाम प्रकार की निर्बलता दुर्बलता कमजोरियों को हटाकर आपको चंगा किया। क्यों? परमेश्वर ने आपको बीमारियों से ही नहीं दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया। क्यों? आपको नशे से छुटकारा दिया। क्यों? आपको गाली देने वाले से सुधार कर आपको अच्छा इंसान बनाया। क्यों? उसका पर्पस है। प्रेज द लॉर्ड। उसका कोई पर्पस है। हालेलुया। उसका कोई प्लान है आपके लिए, उसकी कोई योजना है आपके लिए, और उस योजना के मुताबिक आप चलिए। जब आप उस योजना के मुताबिक चलेंगे तो सत्य पर विश्वास करने के द्वारा आप जीवन पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में सिर्फ इसलिए नहीं आए कि आप बीमार चंगे हों। हेलो। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ इसलिए दुनिया में नहीं आए कि आप बीमार चंगे हों। बीमारी को चंगा करना है, वो यीशु मसीह का नेचर है। हालेलुया। वो यीशु के खून में है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सही मायने में क्यों इस दुनिया में आए थे, क्या पर्पस था? वो था आपका और मेरा पाप से आजाद होना, स्वतंत्र होना। आदमी दुखी, परेशान, अशांति, बंटवारे किसके पीछे हो रहे हैं? आप बोलेंगे लालच के पीछे, या फिर लगभग लालच के पीछे हो रहे हैं। या तो पुरुष को किसी की स्त्री का लालच है, या फिर किसी की दौलत का लालच है, या फिर किसी की जमीन जायदाद का लालच है। लगभग मैं यूं कहूं 99% घर घर में लड़ाइयां झगड़े सिर्फ लालच के कारण हो रहे हैं। लेकिन मसीह यीशु इस दुनिया में जब आए तो उन्होंने लालच नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने एक बात का लालच किया। किसका? उन्होंने कहा कि मैं मनुष्य को बचाकर अपने पिता के पास लेकर जाना चाहता हूं, ताकि जिस मकसद के लिए मैं इस दुनिया में भेजा गया, मेरे पिता का वो मकसद पूरा हो जाए। इसमें मसीह यीशु का अपना स्वार्थ कुछ भी नहीं था। इसमें मसीह यीशु का अपना निजी कोई काम नहीं था, बल्कि उन्होंने क्या कहा? मैं तो अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए आया हूं। मुझे तो जिसने भेजा है मैं उसकी मर्जी पूरी करने आया हूं। मेरा पिता जो मुझे कहता मैं वो करता हूं। हालेलुया।